आज मैंने बस चिकन की खातिर आया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आता। चिकन में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छूट गया। तो है गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कैसे सब लगता है? सब बढ़िया होंगे? मैं बहुत ही बढ़िया गाइस। आज फिर से मैं हो चुका अकेला, मैं और भैया आज है घर पे। और अकेला होने का जो परेशानी है ये है, ये सब बर्तन यही है अकेला होने की परेशानी, क्योंकि इनको धोना ही बहुत ही है मुश्किल। ये क्या है? और इसी को देखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इंसान खाना नहीं खाते तो बर्तन धोना ही नहीं पड़ता। सही यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन खाना पड़ता है तो यही तो परेशानी है। तो अभी जितना भी बकवास कर लो लेकिन धोना तो पड़ेगा। धोते और देख सकते हो यहाँ तो पहले से था, और ये हमें बोनस में मिला है। बोनस, वाह वाह वाह, बोनस में मिला है थोड़ा बर्तन। तो गाइस अभी हमारा बर्तन वगैरह धोना हो चुका है खत्म। एंड ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस 1.5 घंटा उसे सही लगा है। और आपको अभी दिखाएंगे कुछ ऐसा। और अभी आपको जो दिखाने वाले है वो है ये भाई साहब। इसका नाम शायद आपको नहीं पता, इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। अरे बाबा, ये मतलब काफी टाइम का भी, 1 साल हो चुका है, इतने टाइम हो चुके हैं हमने इसको लाया था। लेकिन ये देख सकते हो बस इतने से इतना बड़ा हुआ है, और कब बड़ा होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इतना से मतलब यहाँ रुक गए। इसमें हमें काफी उम्मीद थी कि हमको ड्रैगन फ्रूट खिला के ही छोड़ेगा, लेकिन इसका उम्मीद अभी पता नहीं क्या होगा। और भाई सब यहाँ चल रहा है बच्चों का खेल कूद, तो किसका खेल चल रहा है मेरे को नहीं पता। तो अभी क्या खेल चल रहा है, क्या होने वाला है खेला? यहाँ पर खेला है दायरा बंदा। तो गाइस हमारे भाषा में है दायरा बंदा। तो इसमें क्या होता है कि बीच में यहाँ रखना पड़ता है और इसको पार करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट खेलो खेलो। और यहाँ मारपीट लग चुका है, जैसे तो भाई साहब खेल में तो ये होता ही है, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आता है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती नहीं, है। नहीं, नहीं, मेरी गलती नहीं, है। गाइस यहाँ पर झगड़ा हो चुका है और हमारा खेल बंद हो चुका है। झगड़े की मेन माल ये। तो गाइस खेल कूद तो हो चुका है बंद, एंड अभी आपको लेके आए हैं कुछ दिखाने के लिए। तो ये देख सकते हैं क्या है, आपको पता है? नहीं। ये है धनिया, जो ऐसे तो सब्जी के साथ मुफ्त में मिलता है, लेकिन आजकल मुफ्त में नहीं मिलता, आजकल तो 10 रुपया में इतना सा मिलता है। तो हम है क्रिएटिव लोग, तो घर पे और गाइस आपको शायद नहीं पता, लेकिन इस बार हम मशरूम का भी खेती करेंगे। तो इसके लिए हमने जो नारा है वो मतलब कुछ बैक्टीरिया मारने वाला चीज़ मिला दिया है इस नारा में। तो अभी थोड़ी देर बाद इसको पैकिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। हम कुछ क्रिएटिव वाले लोग हैं ना, तो कुछ करते रहते हैं। और आज अभी बस खाना बनाएंगे, बस वही की टेंशन है, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है खाना बना के। एंड मज़ा भी आएगा क्योंकि आज है हमारे घर में चिकन, मज़ा आएगा। तो बस बनाएंगे मैं और भैया, मतलब भैया बनाएंगे, मैं बस मैं हेल्प तो गाइस हमारा सब्जी वगैरह काटना हो चुका है स्टार्ट, एंड हमने अभी हमारा जो आग वगैरह चलाना हो चुका है। तो बस अभी चिकन को लाते हैं इस घर से, क्योंकि यही तो मेन माल है। तो गाइस ये है हमारा चिकन, तो अभी इसको धोएंगे। ऐसे तो और कुछ धोने में भी बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन ये चिकन तो धोने में भी मजा आता है। तो चलते हैं, लेट्स गो। अभी हमारा हो चुका है धोना वगैरह खत्म, एंड अभी इसको करेंगे मिक्सिंग। तो गाइस अभी हो चुका है सब कुछ देना वगैरह खत्म, अभी इसको करते हैं मिक्सिंग। तो फाइनली गाइस अभी हो चुका है पूरा खाने के लिए तैयार, तो बस अभी फ्राई करो और इसको खाओ। तो गाइस अभी मैं गया था थोड़ा गाय को चराने, एंड इधर हमारा जो चिकन है वो हो चुका है बनके तैयार, क्या लग रहा है भाई साहब। तो अभी थोड़ी देर बाद होगा इसका खाना, एंड हम यहाँ देख सकते हो हमारा चावल लास्ट बाकी था, तो इसको भी बनाना हमने कर दिया है स्टार्ट। बस थोड़ा टाइम पप्पू चिकन से खाने के लिए कब से वेट कर रहे हैं भाई साहब,
जैसे वेट कौन करते हैं भाई। हमारा जो चावल बनाना है वो हो चुका है कंप्लीट, एंड हमारा लास्ट जो काम बाकी था ये हमारा मशरूम का जो आपको बताया था। तो जैसे तो मशरूम का जो बीज है तब इसको निकाला जा रहा है। और गाइस हमारा जो प्रोसेस है देख सकते हो, इसमें जो हमारा नारा था उसको अभी इसके अंदर पूरा दबाया जा रहा है, और इस बीज को भी थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। ऐसे कोई प्रॉपर तरीके नहीं पता कि इसको क्या क्या करते हैं, लेकिन बस ऐसे ही घर पे ट्राई कर रहे हैं, देखते क्या अगर होता है तो मज़ा आएगा, नहीं होता तो कुछ नहीं, बस ट्राई तो करेंगे। तो गाइस हमारा एक पैकेट जो है वो हो चुका है बन के तैयार, अभी दूसरी की तैयारी। तो फाइनली अपना जो मशरूम लगाना था हो चुका है कंप्लीट, अभी बस हम जाएंगे नहाने, क्योंकि इसको थोड़ा मतलब यार रस्सी में उठाना पड़ेगा, फिर बाद में जाएंगे नहाने, क्योंकि चिकन वेट कर रहे हैं हमारे लिए तो जल्दी से, और हम बस चिकन नहीं मतलब हम वेट कर रहे हैं, बात हो है। अच्छा तो गाइस अभी सब कुछ हो चुका है समाप्त, एंड अभी हम जा रहे हैं नहाने। एंड गाइस नहाने का बिल्कुल ही मूड नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अभी है ठंडा पानी, तो मतलब मूड नहीं है, पापा का भी तो बिल्कुल मूड नहीं है, तो बस अभी जा रहे हैं क्योंकि चिकन की खातिर। आज अगर चिकन नहीं होता तो आज मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं नहाता। क्या बोला तूने? नहाना तो पड़ेगा ही, नहाना तो पड़ेगा ही। आज मैंने बस चिकन की खातिर नहाया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं नहाता। चिकन में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। देख भाई आज बस तेरे लिए नहाया। तो फाइनली गाइस अभी हो चुका है खाना खत्म, अभी जाके मिली है ठंडक, मतलब पेट को लगी है ठंडक मिली है। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस मतलब मैं काफ़ी लेट लेट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अभी मतलब घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो है अभी क्या कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट लेट रहते हैं, मतलब कहीं जा नहीं पता। अभी राष्ट्र का मेला गया था उसका भी मतलब बना नहीं पाया, क्योंकि मैंने गया था लेकिन वहाँ अलाउड नहीं है, फिर ख़त्म हो गया। तो बस आई होप आपको पसंद है, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस अगली मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए।